चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृहमंत्री को सभाएं करनी पड़ रही हैं, अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज साथियों, मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहां पर मंच पे जो एकजुटता देखी है, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति बिरादरी समुदाय धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी नेतागण एकजुट हैं। और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपकी क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया, आपकी दिक्कत परेशानी मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है, ये पहले आप लोग देख चुके हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे, और मैंने खास बात देखी है बीजेपी की, चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी हम लोगों को, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृतकाल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई, 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100-1100 रुपए का हो गया, जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहाँ पता नहीं कितने, 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले। का महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का, तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे भाई, आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धर्म भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरुग्रंथ जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था, इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था, इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, हम उसको ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है। और ठीक है अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है, लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां वोट मांगने जा रहे हैं, 11 दिन का समय है, 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी, और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं, घर से निकलना है, एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहां पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहां पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, तो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। उनको जयराम कर दो, जयराम जी कर दो और विदा करो, और हमारे नए पहलवान को जहां पे टिकट उनको दिया है, जो जिताकर एमएलए बनाना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अगले 10 दिन और नेता आएंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लेकिन जिनको मौका दिया 8-9 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में, उन लोगों ने से पूछिए आप, पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति, किसान, दुकान चलाने वाला, उद्योगपति, मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति आज दुखी परेशान है।
इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था को बदलना है तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलने के लिए हमें भावना में नहीं बहना है, हमें सोचना है कि जिन लोगों को इतनी ताकत हम लोगों ने दी, और आप लोगों के साथ कमी नहीं छोड़ी आपने भी, जब चुनाव आते हैं लोकसभा के विधानसभा के, पिछली बार आपने पूरे जी खोल के वोट डाल के देखा, परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, कोविड में जो मारामारी हुई सबने देखी है। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमें नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा, और मैं पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होगा और 12 तारीख को यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, और उस सरकार में एक मजबूत हिस्सा उसका देवेंद्र भाई को बनाना है। यह आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का कर्तव्य है। मैं तो बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया हूं आपसे ये निवेदन करने के लिए कि इस बार हम चूक ना जाएं और ऐसी हरियाली कर दो। अच्छा, छोटी मोटी जीत करा दी आपने, 1000-5000 की तो मजा नहीं आया। हरियाली ऐसी होनी चाहिए कि 32 साल का सूत समेत हमें पता पड़े कि यहाँ पे हजारों हजारों वोट यहाँ से उम्मीदवार जीत कर गए। आप लोगों ने नारा भी लगा दिया, हाँ भी बोल दिया, ताली बजा दी, लेकिन मैं भी बहुत कई सालों से सभाएं कर रहा हूँ। जब इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को दोनों हाथ खड़े मैं देख लो कि कांग्रेस का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों हाथ में खड़े, वो पीछे बैठे नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी। आखिरी नारा है, जोर से दे रहा हूँ, ये आवाज शिमला तक जानी चाहिए। ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी। अब मुझे विश्वास हुआ है कि आपको जिता के भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।